हे गाइस, वेलकम टू द एंड्रॉइड गाइड चैनल। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको रियलमी पावर बैंक 2i को कंपेयर करने वाला हूँ रेडमी पावर बैंक के साथ। दोनों ही का कैपेसिटी जो है वो 10,000 mAh का है। और गाइस, दोनों ही में आपको जो है वो दो कलर ऑप्शन मिलते हैं। रियलमी पावर बैंक में जो है आपको दो कलर मिलते हैं, एक ब्लैक मिलता है और एक जो है येलो मिलता है, और उस पर जो है वो रियलमी का ब्रांडिंग किया गया है। वहीं आपको रेडमी के पावर बैंक में आपको दो कलर मिलते हैं, एक ब्लैक मिलता है और एक जो है वो व्हाइट मिलता है, उसमें भी आपको जो है वो रेडमी का ब्रांडिंग किया गया है। तो गाइस, दोनों ही का जो बॉडी है वो प्लास्टिक बिल्ड है। दोनों ही में आपको प्लास्टिक बिल्ड मिलता है। एक में आपको जो है वो मैट फिनिश जो है वो डिज़ाइन मिलता है, सॉफ्ट डिज़ाइन मिलता है। और रियलमी पावर बैंक में जो आउटर डिज़ाइन जो दिया गया है वो एक जो है वो आपको एक टेक्सचर डिज़ाइन दिया गया है जो काफ़ी अच्छा एक जो है आपको ग्रिप प्रोवाइड करेगा। तो रियलमी पावर बैंक में जो आपको अच्छा ग्रिप मिलता है। और पोर्ट्स के बारे में बात करते हैं तो दोनों ही में आपको जो है वो USB टाइप ए पोर्ट मिलता है। दो पोर्ट मिलता है आपको USB टाइप ए का, और दोनों ही में आपको जो है वो टाइप सी का पोर्ट मिलता है और माइक्रो USB का पोर्ट मिलता है। तो टोटल आपको दोनों ही पावर बैंक में चार पोर्ट्स मिलते हैं, दो इनपुट के और दो आउटपुट के। आउटपुट में आप जो है वो USB टाइप ए पोर्ट से जो है आप अपने दोनों फ़ोन को चार्ज कर पाएंगे। और दो इनपुट के इसलिए दिए गए हैं टाइप सी एंड माइक्रो USB की, बहुत सारे फोन्स ऐसे हैं जो माइक्रो USB वाले हैं और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो टाइप सी वाले हैं, तो उसके लिए आप जो है वो अलग केबल जो है आपको नहीं ले जाना पड़े। इसीलिए ये ऑप्शन जो है वो कंपनी आप प्रोवाइड कर रही है, जिससे आप कोई भी एक केबल को ले जाकर आप अपने पावर बैंक को भी चार्ज कर पाएंगे और उस केबल से आप अपने फ़ोन को भी चार्ज कर पाएंगे और एक टाइम पे दो फोन को भी चार्ज कर पाएंगे। तो इस तरह से आपको जो है वो सपोर्ट दिया गया है। और रियलमी पावर बैंक में जो है आपको 12 वॉट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, क्विक चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। और रेडमी पावर बैंक में जो है आपको 10 वॉट का क्विक चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। और रियलमी पावर बैंक 2i में जो है आपको 12 वॉट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है इसके पावर बैंक को भी। तो अगर आप पावर बैंक को चार्ज कर रहे हैं 12 वॉट के अडेप्टर से, और तो आपका पावर बैंक जो है वो भी आपका 12 वॉट जो है वो इंटेक कर लेगा और काफ़ी फास्टली आपका पावर बैंक चार्ज हो जाएगा। और गाइज, इन दोनों में आपको जो है वो जो 10,000 mAh का बैटरी मिलता है, आपको लिथियम पॉलीमर बैटरी इसमें दिया गया है। और दोनों ही में सर्किट प्रोटेक्शन जो है वो आपको 14 लेयर का सर्किट प्रोटेक्शन आपको रियलमी पावर बैंक 2i में मिलता है, और रेडमी पावर बैंक में जो है आपको 12 लेयर का सर्किट प्रोटेक्शन मिलता है। और दोनों ही में आपको जो है वो लो करेंट मोड का ऑप्शन दिया गया है। अगर आप डुअल प्रेस करेंगे दोनों ही पावर बैंक के पावर बटन को, तो ये जो पावर बैंक है वो लो करेंट मोड में चला जाएगा और आप अपने AAOT डिवाइसेस को जो है वो चार्ज कर पाएंगे। आप अपने ईयरफोन्स को चार्ज कर पाएंगे, ये वायरलेस ईयरफोन्स को चार्ज कर पाएंगे, अपने स्मार्ट वॉचेस को चार्ज कर पाएंगे, मी बैंड्स, ये सब को जो है वो छोटे मोटे डिवाइसेस जो आते हैं AAOT डिवाइसेस, उन सभी को जो है आप अपने अच्छे से चार्ज कर पाएंगे इन दोनों पावर बैंक में। बट यहाँ पे जो है आपको रियलमी पावर बैंक 2i जो है इसको आप अपने प्लेन्स में भी ले जा सकते हैं। अगर आप प्लेन के थ्रू ट्रैवल करते हैं ज़्यादा, तो आप अपने प्लेन में भी जो है वो इसको ले जा सकते हैं। ये जो है वो एरोप्लेन में जो है वो अलाउड है। और गाइस, वेट के मामले में जो है वो लाइट वेट है रियलमी पावर बैंक 2i से जो है वो थोड़ा लाइट वेट है रेडमी पावर बैंक। और अगर आप एक पावर बैंक परचेस करने का सोच रहे हैं तो आप जो है वो इन दोनों में से आप कोई भी पावर बैंक ले सकते हैं। 2 वाट का जो है वो उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको जो है वो 12 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट रियलमी पावर बैंक 2i में मिलता है, और 10 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट जो है वो आपको रेडमी पावर बैंक में मिलता है। तो 2 वाट का जो है आपको फ़र्क मिलता है रेडमी पावर बैंक में, 2 वाट कम मिलता है, 10 वाट ही मिलता है। तो अगर आपका बजट 699 रुपीज़ का है तो आप जो है वो इसको परचेस कर सकते हैं, कोई ऐसे में परेशानी की बात नहीं है। बहुत सारे फ़ोन्स ऐसे होते हैं जो 10 वाट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं, तो उसको जो है वो ये काफ़ी अच्छे से सपोर्ट करेगा। और अगर आपका फ़ोन जो है वो ज़्यादा वाट का है, तो तब तो आप जो है वो सीधे दूसरा ही पावर बैंक परचेस कीजिए, जो 18 वाट का है उसको आप परचेस कीजिए। और ये जो 12 वाट का फास्ट चार्जिंग का जो सपोर्ट दिया गया, ये 10 वाट के भी में भी जो है वो सपोर्ट करेगा और इससे हायर लेवल पे भी सपोर्ट करेगा, बट उसमें जो है आपको ज़्यादा टाइम जो है वो देखने को मिलेगा। सो गाइज, अब बात करते हैं इन दोनों के प्राइस के बारे में। तो रियलमी पावर बैंक 2i का जो प्राइस है वो है 799 रुपीज़, और रेडमी पावर बैंक का जो प्राइस है वो है 699 रुपीज़। तो दोनों ही पावर बैंक अपने अपने प्राइस को जस्टिफाइड करते हैं। अगर आपको कोई भी पावर बैंक परचेस करना हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप परचेस कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो नीचे कमेंट करें, मैं आंसर ज़रूर दूंगा।